बेघरों को घर देने के लिए पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों मकान बने हैं, लोगों को फायदा भी मिला है। पर गाजीपुर जिले के हरिहरपुर गांवों को आज भी पीएम आवास योजना का इंतजार है। मजबूरी में ग्रामीण पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से आवास दिलाने की भी गुहार लगाई है। हरिहरपुर गांव के लोगों की गुहार, कब तक पेड़ पे टंगे रहेंगे साहब? अब तो आवास दे दीजिए सरकार। गाजीपुर जिले के मनिहारी ब्लॉक के हरिहरपुर गांव के लोग बारिश के दिनों में कुछ इसी तरह पेड़ पर चारपाई का मचान बनाकर रहने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र से पीएम आवास योजना गाजीपुर जिले तक आती है, मनिहारी ब्लॉक में भी पहुंचती है, पर हरिहरपुर गांव आते आते पोर्टल बंद हो जाता है। पिछले कई साल से ग्रामीण पीएम आवास योजना के लिए सरकारी दफ्तरों के ठोकर खा रहे हैं, पर उम्मीद अब तक पूरी नहीं हुई। बैठे हैं, बारिश होता है सर, कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा हैं, उसी बंगले में सोते हैं। देख लीजिए, बंगला यही है मेरा, ठीक है? हमको कोई आवास भी नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से हमको कोई लाभ है? साफ दिक्कत यही है कि हम लोग को आवास नहीं मिलता है। अब बहुत दिन से प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए लोग अपने गरीबी की अवस्था देखकर इस मचान पर डाल कर रहते। करीब 100 घर वाले इस दलित बस्ती में लोग कच्चे मकान और झोपड़ियों में रहते हैं। खेतों के आसपास होने की वजह से आए दिन सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़ों से इनका सामना भी होता है। बरसात का टाइम है, पानी बरसता है तो ये त्रिपाल ओढ़ लेते हैं और इसी से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मनिहारी ब्लॉक में अन्य गांव जो है उसको सबको लाभ मिला है, मगर एक हमारा अछूता गांव हरिहरपुर ऐसा है, एक अनोखा गांव कि यहां पे इस योजना का लाभ नहीं मिला है। सवाल है कि ग्रामीणों को योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? गांव के लोग बताते हैं कि सरकारी कर्मचारी की लापरवाही से पोर्टल पर इस गांव को पीएम आवास योजना से संतृप्त दिखा दिया गया। ग्रामीणों ने प्रधान से लेकर सेक्रेटरी और जनपद के अधिकारी तक इसकी शिकायत की, पर कहीं सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की मांग है कि योजना के पात्र लोगों को पीएम आवास का लाभ दिया जाना चाहिए। प्रधान से कहे हैं, सेक्रेटरी से कहे हैं, ब्लॉक के भी गए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। तमाम अधिकारियों से, तमाम जो है कि व्यवस्था वाले लोगों से हमने कहा, भैया हमारी अपन सुन लीजिए, हमारी पुकार सुन लीजिए, लेकिन कोई नहीं सुनता है, साफ क्या करें। यही हमारी दरख्वास्त है कि हमारे गांव को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाए। ग्रामीणों ने सामाजिक संगठनों के जरिए आवास के लिए अब अपनी आवाज बुलंद की है। अब इंतजार बस इस बात का है कि सामूहिक प्रयास से ग्रामीणों के आवास का सपना कब तक पूरा होता है। सूर्यवीर सिंह, न्यूज स्टेट, गाजीपुर। संबल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में